दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिमालय माउंटेन रेंज में कितनी माउंटेन्स ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 7000 मीटर से अधिक है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज में कुल 110 माउंटेन्स ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। आज हम बात करेंगे दुनिया की 13वीं सबसे ऊंची माउंटेन ग्लेशियर ब्रह्म 2 के बारे में। हम आपको बता दें, ग्लेशियर ब्रह्म 2 दुनिया की 14,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली माउंटेन्स में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई 8,035 मीटर है, जिसे अगर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 26,362 फीट होता है। आपको बता दें, G2 काराकोरम माउंटेन रेंज का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसे K4 के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्लेशियर ब्रह्म मैसिव की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा इस ग्रुप में ग्लेशियर ब्रह्म 1 8,080 मीटर, ब्रॉड पीक 8,051 मीटर शामिल हैं। यह पर्वत बल्तिस्तान, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। यह पर्वत बोल्टारो ग्लेशियर के शीर्ष पर स्थित है। इस पर्वत के समूह की खोज 1909 में ड्यूक ऑफ दी अब्रूजी और विटोरियो सेला द्वारा की गई थी। बोल्टारो ग्लेशियर की एक सहायक नदी अब्रूजी ग्लेशियर का नाम ड्यूक के नाम पर रखा गया है। 1934 में गुंटर डायरेनफर्थ और उनके अंतरराष्ट्रीय हिमालयन अभियान, जिसमें आंद्रे रोच भी शामिल थे, इन्होंने ग्लेशियर ब्रह्म 1 और 2 की खोज की थी। इस पहाड़ पर पहली चढ़ाई 7 जुलाई 1956 को ऑस्ट्रियाई फ्रिट्स मोरावेक, जोसेफ लार्च और हंस विलेनपार्ट द्वारा दक्षिण पश्चिम रिज द्वारा की गई थी। आपको बता दें, जब इस ऑस्ट्रियाई टीम ने अपना बेस कैंप 1 सेटअप किया, उसके बाद इन्हें किसी कारणवश वापस नीचे आना पड़ा था। बाद में जब ये लोग वापस कैंप पर पहुंचे तो इन्हें वहां सिर्फ बर्फ की चादर नजर आई, क्योंकि हिमस्खलन के कारण इनका बेस कैंप और सभी आपूर्तियां बर्फ के नीचे दब गई थीं। इसके बावजूद पूरी टीम ने G2 के शिखर पर जाने का निश्चय किया। एक मार्ग खोलने के बाद वे सभी 6 जुलाई को कैंप 3 से निकले। पूरी रात समूह ने स्लीपिंग बैग में गुजारी और फिर अगले दिन सुबह 11:30 बजे G2 के शिखर पर पहुंच गए। 1975 में 4 ग्रुप्स ने ग्लेशियर ब्रह्म 2 पर क्लाइम किया। 4 साल के बाद चिली के एक ग्रुप ने G2 के शीर्ष पर पहुंचने के लिए सामान्य मार्ग का उपयोग किया था। 4 साल के बाद चिली के एक ग्रुप ने G2 के शीर्ष पर पहुंचने के लिए सामान्य मार्ग उपयोग करने का दावा किया। स्विस माउंटेनियर रोमोलो नोटारिस और टिजियानो जुंड 3 अगस्त 1981 को अल्पाइन स्टाइल में शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपको बता दें, अल्पाइन स्टाइल एक आत्मनिर्भर तरीके से क्लाइंबिंग करना होता है, जिसमें क्लाइंबर अपना भोजन, आश्रय और उपकरण अपने साथ लेकर जाता है। इसी प्रकार आने वाले समय में बहुत से लोगों ने G2 पर क्लाइंब किया। अगर आप भी इस पर्वत पर चढ़ने के बारे में मन बना रहे हैं तो इसके लिए आपको माउंटेनियरिंग स्किल्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता रहेगी और लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक खर्चने होंगे। जी हाँ, इन सभी माउंटेन्स पर क्लाइंब करने के लिए आपको गवर्नमेंट परमिट और शेयरपास के लिए पैसे देने होते हैं। सभी पर्वतों के परमिट के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। आने वाली वीडियो में हम आपको दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची माउंटेन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये पर्वत और इससे जुड़ी जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।